पिछले एपिसोड में हाओ चेन एक और होली गार्ड को जीतने के लिए ट्रायल को चैलेंज करने का डिसाइड किया था, लेकिन तभी अचानक से सायर अकेले ही ट्रायल को चैलेंज करने के लिए चली गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने फर्स्ट फ्लोर के ट्रायल को बहुत ही आसानी से पास कर लिया था और यहाँ पर उसे रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाया होता। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि सायर आगे वाले ट्रायल को भी बहुत ही आसानी से पास कर रही थी और उसके बाद वो लेवल 6 वाले ट्रायल में भी पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि असल में 6 स्टार वाला ट्रायल है, जहाँ पर वैसे तो इस ट्रायल को पास करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें उसके सभी ऑक्सिलरी प्रॉप को बैन कर दिया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे बर्ड इसके चारों तरफ आकर घूमने लगते हैं, जिसे देख अब सायर भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी। तभी हमें पता चलता है कि यह बर्ड असल में कुछ और नहीं बल्कि नंबर 10 वाला होली गार्ड है, जो इसके पावर को देखते ही कहता है कि तुम्हारा किलिंग ऑरा तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ऐसा लगता है कि मास्टर ने तो बिल्कुल सही इंसान को अपना सक्सेसर चूज किया है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सायर के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर इसके ऐसे बातों से इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज होने लगती है और फिर कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आई हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक्सरसिज्म पास में लौटने से मत रोको। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब होली गार्ड भी इसे चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि इसका टेम्पर तो बहुत ही बुरा है, इसलिए समझ में नहीं आता कि मास्टर ने इसे कहाँ से खोजा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सायर इसके पीछे से आकर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन होली गार्ड ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसलिए सायर अपने अटैक से उसका कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओ चेन और बाकी सभी अभी बाहर खड़े होकर देख रहे थे और सीमा सियान कहने लगता है कि इनकी पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी लिन सिन भी कहने लगता है कि अब तो सायर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि वो सेकंड फ्लोर के ट्रायल को भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेगी और इसलिए सायर वहां पर उसे रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन सायर को वहां पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भी वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब होली गार्ड और सायर के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी, जहां पर कि होली गार्ड भी अपने पावर का यूज करके सायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सायर भी उसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रही थी। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि होली गार्ड अपने बहुत ही खतरनाक पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आ गया था, इसलिए वो होली गार्ड के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और सायर को इसके अटैक से जख्मी होने से बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम कौन हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी नजर हाओ चेन के पास वाले लॉकेट के ऊपर जाती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि यही असली सक्सेसर है और इसलिए वो सायर की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगता है कि तो फिर ये कौन है। लेकिन हम देखते हैं कि सायर को होली गार्ड के इन बातों से कोई भी मतलब नहीं होता और फिर वो सायर से पूछते है कि क्या अगर हमने इसे हरा दिया तो हम एक्सरसिज्म पास में जाने के लिए निकल जाएंगे। जिसके बाद होली गार्ड भी गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तभी हाओ चेन सायर से कहता है कि वो हमारा एनिमी नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ में थोड़ा सा जेंटल रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी होली गार्ड का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी, जिसके लिए वो अपने 6 पाथ साइकिल के थर्ड फॉर्म का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से वो अपने टंक सर्कुलेशन का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होली गार्ड को इसके ऐसे पावर के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो सायर से कहता है कि तुम तो अभी केवल लेवल 7 में हो, इसलिए अफसोस की बात है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि सायर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन होली गार्ड ने इस बार भी उसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, इसलिए सायर इस बार भी उसका कुछ नहीं कर पाई होती। तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड भी सायर के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि या तो तुम मुझे यहाँ पर हरा कर दिखाओ, नहीं तो फिर तुम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर वापस चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और वो भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसे हराने के लिए फिर से 6 पास साइकिल के फोर्थ फॉर्म का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन उसे फिर से इसे यूज करने से रोकने के लिए जाने लगा था, क्योंकि 6 पास साइकिल के पावर को लगातार यूज करने के वजह से सायर को बैकलैश का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर इसके बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो अपने नोट सर्कुलेशन के पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड भी अपने फ्लाइंग सोलो ऑन द विंड के पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसका यूज करके उसने सायर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन सायर को देख हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि दो बार सर्कुलेशन पावर का यूज करने के बाद भी सायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वो सोचने लगता है कि डिवाइन स्प्रिंग अवेकनिंग के वजह से यह चीज भी इंक्रीज हो गई है। तभी इस बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके होली कार्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यह देख होली कार्ड ने अपने आप को इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन फिर से होली कार्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो सायर से कहता है कि तुम्हें जैसा ही मौका मिले तुम इसके ऊपर अटैक कर देना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सायर हाओ चेन की बातों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देती
और वो तुरंत ही होलीगार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन सार को यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो कहने लगता है कि मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होलीगार्ड फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो अकेले इन दोनों को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर देने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सार फिर से अपने पावर का यूज करके होलीगार्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके दौरान हम देखते हैं कि हाओचन इसमें इंजर्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि होलीगार्ड भी इनका मजाक उड़ाने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास में टैक्टिक की समझ नहीं है। लेकिन अब इसके ऐसी बात सुनते ही सार इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने बहुत सारे क्लोन को क्रिएट कर लेती है और अब इस तरह से वो चारों ओर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होलीगार्ड को हरा पाना इतना आसान बात नहीं था, क्योंकि होलीगार्ड ने सार के हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसलिए इस बार भी सार इसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाई होती। तभी अचानक से हम देखते हैं कि होलीगार्ड सार के पीछे से अटैक करने वाला था, जिसे देखते ही हाओचन उसे बचाने के लिए तुरंत वहां पर आ जाता है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और होलीगार्ड अकेले इन दोनों को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रहा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सार इतना आसानी से होलीगार्ड के सामने हार मानने वाली नहीं होती, इसलिए वो तुरंत ही फिर से अपने पावर का यूज करके होलीगार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि होलीगार्ड ने अपनी ताकत से सार को पीछे भेज दिया था, जिसके बाद सार भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन होलीगार्ड ने इस बार भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। वहीं होलीगार्ड कहने लगता है कि तुम लोगों की स्पीड तो बहुत ही बुरी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने तुम्हें 100 साल भी दे दिया लेकिन इसके बाद भी तुम मेरे एक बाल को भी नहीं छुपाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके बारे में देखने के लिए आने लगे थे, जहां पर चेन कहने लगती है कि क्या यही सेकंड फ्लोर है। तभी फाइट के हलचल को देख लिन सिन कहने लगता है कि यह बैटल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद सीमा सियान भी कहने लगता है कि होलीगार्ड 11 और 12 तो इतने ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि होलीगार्ड नंबर 10 कितना ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन को हाओचन और सार के बारे में चिंता होने लगी थी, इसलिए वो कहने लगती है कि क्या वे दोनों उसे सच में हरा पाएंगे। तब उसके ऐसी बात सुनकर विंग युआन कहती है कि तुम उनके ऊपर यकीन रखो। वहीं उधर हाओचन कहने लगता है कि इस वाले होलीगार्ड के पास में तो लेवल 7 की स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन इसके बाद भी इसकी स्पीड लेवल 8 के पीक में है। अब इस वजह से हाओचन को ऐसा लग रहा था कि सार इसके पास में कोई भी कमजोरी नहीं है। तभी सार कहने लगती है कि वो बहुत ही कम हमारे नजदीक में आकर फाइट कर रहा है, जिसके वजह से वो स्ट्रॉन्ग अटैक से खुद को बचा सके और इसलिए इसका मतलब है कि उसका डिफेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके बारे में समझ गया था और फिर वो कहने लगता है कि अगर हमने बहुत सारे पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया तब इस तरह से तो हम इसे बहुत आसानी से हरा देंगे। तब इसके बारे में सुनकर होलीगार्ड कहता है कि तुम्हारी एनालिसिस तो सच में बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने इस स्पीड से मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन ने इसके चारों तरफ किस पावर को एक्टिवेट कर दिया था और फिर वो सार से कहता है कि चलो हम एक साथ में मिलकर इसे हरा दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि सार भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और वे दोनों एक साथ में अटैक करने के लिए आ गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि होलीगार्ड नंबर 10 को हरा पाना इतना आसान नहीं होता और वो भी तुरंत अपने 1000 विंड ब्लेड के पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों तुरंत खुद को इसके अटैक से बचाने लगे थे, जिस पर होलीगार्ड कहने लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जितना जल्दी हो सके मेरे सामने हार मान लो। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सार इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी और फिर वो जैसे ही सार के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, हाओचन अपने होली स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करके उसे कैद कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनको अटैक करने के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिल गया था, लेकिन सार जैसे ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है तभी होलीगार्ड अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद करा लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो सार के ऊपर गुस्सा हो गया था और इसलिए वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी तुरंत उसे रोकने के लिए आ गया था, लेकिन वही होलीगार्ड कहने लगता है कि उस लड़की के बॉडी में बहुत ही खतरनाक किलिंग हो रहा है और इसलिए वो सबसे पहले उसे मारने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन इस बात से इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो अटैक करते हुए कहता है कि सार को हिट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से होलीगार्ड के साथ में फाइट करने लगा था, जिसे देख अब सार भी इस बात से हैरान हो गई होती है और वो सोचने लगती है कि हाओचन इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होलीगार्ड नंबर 10 भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने फॉरबिडन विंड स्किल का यूज करके अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन सार को बचाने के लिए आ गया था और फिर वो अपने डिवाइन स्किल का यूज करके होलीगार्ड का अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो ऐसे पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने दोनों स्वॉर्ड का यूज करके उसके सारे अटैक को रोकने लगता है ताकि वो सार को इसके अटैक से जख्मी होने से बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन सार को अपने साथ लेकर होलीगार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख सार भी हैरान होते हुए कहती है कि मेरी बॉडी इसके साथ में इतने अच्छे से कोऑपरेट क्यों कर रही है। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप
इसके अगले पार्ट के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।